कल्याण यूनिट के द्वारा आज यह आयोजित ईद मिलन के प्रोग्राम पर सभी उपस्थित मेरे भाई बहन और मंच पे जो उपस्थित है डॉक्टर काटावाला इस जमात हिंद कल्याण यूनिट के मिस्टर चौधरी मिस्टर कुबेरे शरफुद्दीन करते डॉक्टर तेजपाल शाह मिस्टर विजय पंडित मेरे दोस्त आजम भाई रमेश फालके और जो भी सम्मानीय लोग इस प्रोग्राम में हाजिर है पहले मैं जमात इस्लामी हिंद कल्याण यूनिट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे आपसे संवाद करने का मौका दिया है। पिछले एक महीने से जो रमजान मनाया जा रहा था ये रमजान जो महीना है वो तो इस्लामी कैलेंडर या लूनार कैलेंडर के नौवे महीने में मनाया जाता है। पूरा एक महीना हमारे सिपाही लोग उपवास करते हैं रोजे रखते हैं फास्टिंग करते हैं। मुझे ताज्जुब लगता है आश्चर्य लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी एक एक महीने का उपवास करते हैं। बहुत आश्चर्य लगता है कि छोटे बच्चे भी एक महीने का उपवास करते हैं सनराइज के बाद और सनसेट से पहले कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यही रमजान यही सिखाता है एक महीने के कंट्रोल से सेल्फ कंट्रोल करना है और इसी सेल्फ कंट्रोल से यही जानना है कि जो समाज में जो गरीब लोग हैं जिसको खाना पीना नहीं मिलता है वो क्या सफर करता होगा एक महीने में यही जानना है। एक महीने में रमजान के दौरान बॉडी और माइंड प्यूरिफाई करते हैं ईश्वर के नजदीक जाते हैं अल्लाह के नजदीक जाते हैं लोग। इट इज द मंथ ऑफ फास्टिंग इट इज द मंथ ऑफ फॉरगिवनेस एंड थैंकफुलनेस। सभी को धन्यवाद देना है सभी को माफ करना है। इसी महीने में कुरान भी लिखा हुआ था इसलिए पवित्र महीना रमजान मनाया जाता है सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। इसके बाद ईद उल फित्र का त्यौहार आता है जो रमजान के सबसे लास्ट मनाया जाता है। ईद उल फित्र में ये जो फास्टिंग होता है उसका उपवास प्रे करते हैं और उसी दिन समाज में जो पुअर लोग हैं गरीब लोग हैं उसको अनाज बांटते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। इसका मतलब है कि सभी है अच्छे कामों का अच्छे बिहेवियर का ये महीना है और इसी दौरान हमारा ये कि देश ऐसा होगा कि इसी दौरान इसी सीजन में उधर कुंभ मेला भी मनाया जा रहा है उधर पंढरपुर में एकादशी भी है वही भी लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं इधर रमजान का महीना मना रहे हैं। सभी लोग भाईचारे से एक ही देश में इतने भाईचारे से रहते हैं। मैं इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ लेकिन एक अपील मुझे करनी चाहिए। मुझे लगता है अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि सभी ओर अंधेरा फैला है रोशनी चाहिए लेकिन मुझे लगता है रोशनी का एक ही रास्ता है वो है एजुकेशन शिक्षा। शिक्षा की बहुत कमी लगती है मुझे एजुकेशन ही आपको रोशनी दे सकता है। एजुकेशन प्रोग्रेस का डेवलपमेंट का रास्ता है और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी ऑर्गेनाइजेशन से ये ध्यान में रखना चाहिए आगे बढ़ना है तो शिक्षा के अलावा कोई चारा नहीं है। तो दूसरा एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो भी ऐसे देशप्रेमी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ताकत देना हमारा काम है। आपको जो भी सुविधा चाहिए जो भी हमारी तरफ से मदद चाहिए उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। यहाँ बुलाने के लिए फिर से एक बार
धन्यवाद, थैंक यू।